भाई साहब आदि पुरुष की मार्केटिंग टीम सैल्यूट भाई, जो जो मोशन पोस्टर और पोस्टर वगैरह लोग निकाल रहे हैं, मतलब दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। इससे पहले वाला जो मोशन पोस्टर था, मुझे वो देख के नहीं लगा था कि इससे बेटर भी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर कोई प्रोडक्ट निकालेंगे आदि पुरुष की टीम वाले। लेकिन इसकी जो नेक्स्ट मोशन पोस्टर यानी कि जो आज दिखा सीधा नवमी के दिन वाला, हेड्स ऑफ है भाई। एंड इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं अपने पुराने व्यूअर्स को। अगर पुराने व्यूअर्स में भी कोई ये वीडियो देख रहा है तो एक्चुअली मैं ये वीडियो यानी कि इस मोशन पोस्टर पे एक और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब क्रिटिसाइज करने की बारी थी, जब टीजर आया था तो अपन ने क्रिटिसाइज जम के किया था, और अब जब अप्रिशिएट करने की बारी आई तो पीछे क्यों रहे भाई, अप्रिशिएट करना भी तो ज़रूरी है। तो एक और मोशन पोस्टर के साथ मैं एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ, और होपफुली आपको इससे कुछ नया पता चलेगा इसी मूवी से रिलेटेड, क्योंकि अपन एक डिटेल में ब्रेकडाउन करने वाले हैं इसी पोस्टर को। हाँ, मैं कोई प्रोफेशनल डिजाइनर या वीएफएक्स गाय नहीं हूँ, बट एज ऑडियंस तो जज कर ही सकता हूँ, एज एन ऑडियंस तो रिव्यू कर सकता हूँ, क्योंकि ऑडियंस के लिए तो बना रहे ना ये लोग। एनीवेज, अगर शुरू से शुरू करें तो जो टीजर अपने को बैक देन अक्टूबर में शायद देखने को मिला था, वो अगर टीजर हम लोगों ने ना देखा होता तो शायद इतने नेगेटिव रिव्यूज या हेट अपने को नहीं मिल रहे होते इस मूवी से रिलेटेड। सपोज अगर आप किसी चीज को लॉन्च कर रहे हो तो उसकी मार्केटिंग के लिए जो वीडियो आप निकालते हो, फॉर एग्जांपल एक टीजर निकालते हो, वो बहुत बुरा होता है, तो फिर लोगों के मन में आपकी एक इमेज बन जाती है कि भाई ये बंदा मतलब बेकार काम करेगा, तो इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। एंड वही चीज है आदि पुरुष के ऊपर। पर अगर तुम वो जो स्टार्टिंग का टीजर है उसको थोड़ा दिमाग से हटा दो, मतलब जो कि हटाना इम्पॉसिबल है क्योंकि इतना बुरा काम था वो, पर अगर एक टाइम के लिए आप ये सोचो कि वो टीजर कभी आया ही नहीं, सिर्फ पोस्टर मोशन पोस्टर आए, तो देन इस मूवी की हाइप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे होती, क्योंकि लोग इसे मास्टरपीस प्रोजेक्ट बोल रहे होते। पता है क्यों? क्योंकि मोशन पोस्टर को इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है, इनके म्यूजिक काफी शानदार है, म्यूजिक एक लिटरली बहुत बड़ी हाईलाइट है इनके मोशन पोस्टर्स की। लेकिन वही बात हो जाती है ना कि आपने पुराना काम इतना बुरा निकाला है अपना यानी कि टीजर, कि लोग अब आप पे भरोसा नहीं करना चाहते। अब किसी बड़े आदमी ने ये बात जरूर कही थी कि अगर तुम एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। वही काम यहाँ पे ऑडियंस के साथ हो रहा है कि भाई अब ऑडियंस एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहती। एनीवेज, अगर आज वाले मोशन पोस्टर के ऊपर अगर हम बात करें तो ये सीता माँ के ऊपर बेस्ड है, यानी कि कृति सनन के कैरेक्टर के ऊपर। एंड एक्चुअली में इस मोशन पोस्टर के अंदर दो पोस्टर रिवील हुए हैं, एक पोस्टर में आदि पुरुष और सीता दोनों का लुक है, एंड एक पोस्टर के अंदर सिर्फ सीता का क्लोजअप शॉट है जहां पे उनकी आंखों से आंसू निकल रहा होता है। हालांकि इसी पोस्टर के नीचे अगर आप देखोगे ना तो आपको राम और लक्ष्मण भागते हुए दिखेंगे, तो इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ऑब्वियसली बच्चे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ये सीन तब का है जब शायद वो सोने वाला हिरण आया था और सीता माता को वो चाहिए होता है, तब वो दोनों लोग जाते हैं भाग के उसे लेने के लिए। तो ये जो नीचे फोटो लगी दिख रही ना, वो तब का है, एंड ये जो ऊपर सीता माँ की फोटो लगी हुई है ये शायद तब की हो सकती है जब वो लंका के अंदर थी। इसके अलावा इसी मोशन पोस्टर के अंदर एक म्यूजिक भी यूज किया गया है राम सिया राम करके, जिसको ऑब्वियसली तुमने सुन रखा होगा, बट इसको जिस तरह से रिक्रिएट किया गया है वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, मतलब एकदम स्लो और फीमेल कवर के साथ जो बनाया गया है सही लगता है। एंड होपफुली कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मूवी के म्यूजिक के लिए। इससे पहले वाला जो म्यूजिक था वो भी बहुत बड़ी हाईलाइट था उस मोशन पोस्टर का। वैसे यहाँ पे एक चीज नोटिस करना तुम, ये जो स्टैंडिंग वाला पोस्टर है सीता माँ का, इसको जूम करो जरा और इनके पैरों पे देखो, कुछ दिख रहा है क्या? एक्चुअली में ये एरर तब आता है जब आपको बहुत जल्दी में कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तब आप कंपोजिटिंग सही से नहीं कर पाते और ऐसे छोटे मोटे एरर्स आ जाते हैं। इसको देखो डॉज किया जा सकता था इजिली फ्लेयर और ऐसा कुछ लाइटिंग वगैरह का जुगाड़ बैठा के, बट वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाता, क्योंकि देखो बैकग्राउंड में एक फ्लेयर ऑलरेडी लोग ऐड कर रखे हैं जो कि थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है, नेचुरल नहीं लग रहा, तो अगर पैर पे करती थी तो वो थोड़ा और प्रॉब्लम क्रिएट करता। इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई जो डिजाइनर रहा हो उसने बड़े लंबे टाइम से इस पोस्टर के ऊपर काम किया हो, जिस वजह से उसको ये गलती नोटिस नहीं हुई। एंड ये मेरे साथ भी होता है, जब भी मैं कोई लंबी वीडियो एडिट करता हूँ तो जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है ना वो मुझे भी नहीं दिखती, तो ये समझ सकता हूँ मैं एज एन एडिटर। इसके अलावा इसी मोशन पोस्टर में जब अपने को फाइनल लुक दिखाता है सीता माँ का, तो एक्चुअली भी यहाँ पे कोई मेहनत नहीं की गई एडिटिंग में। एक्चुअली में कैप कट के अंदर जो सिंपल सा फीचर आता है ना, जिसमें अपने को फोटो थोड़ा मूवमेंट करके दिखा दी जाती है, अभी एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं आता उस इफेक्ट का, बट वही इफेक्ट यूज़ किया गया है यहाँ पे सीता माँ के फोटो के ऊपर। और तुम यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, अगर तुम जूम करके देखो यहाँ पे, तो भाई उनका जो फोरहेड वाला जो पूरा पीस है वो हिलता हुआ दिखता है, मतलब ये बाल अलग हिल रहे हैं, फोरहेड अलग हिल रहा है, ये भाई सस्ती एडिटिंग की निशानी हो जाती है। अब देखो आपका पहले वाला माल इतना बुरा ऑलरेडी है, तो अभी मार्केटिंग में तो कमजोरी मत करो, क्योंकि पिक्चर कैसी होने वाली है तो सभी को पता है। एनीवेज, इस टाइम पे जो भी मार्केटिंग का मटेरियल निकालते हैं आदि पुरुष वाले, अपन एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि तगड़ा रहता है, देखो एक्चुअली गूज़बम्प्स दे जाता है कहीं ना कहीं, तुम भी ये एग्री करोगे। पर फिर बात वही आ जाती है कि भाई हमको पता है कि रियलिटी क्या है, कब तक धोखे में रहेंगे अपन।
एनीवेज आज के लिए बस इतना ही था। अब मुझे पता थोड़ा बहुत ऑफ टॉपिक चले गए, बट थोड़ी बहुत नॉलेज रखनी चाहिए आउटर वर्ल्ड से भी। तो अगर वीडियो पसंद आओ तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा देना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर एक मिनट तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो क्यों करोगे? जाहिर सी बात है मेरी वीडियोज तो रेगुलरली देखते नहीं हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के जाओगे। एनीवेज मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।